हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर सरोज बिश्नोई, PhD इन फूड एंड न्यूट्रिशन, वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज हिसार. दिस वीडियो हैज़ बिन प्रिपेयर्ड एज ई कंटेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा. टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ होम साइंस, इट्स मीनिंग, हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस. गृह विज्ञान, उसका अर्थ, इतिहास एवं महत्व. इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस टू द अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, स्नातक छात्रों को गृह विज्ञान के विषय से परिचित कराना, टू मेक द स्टूडेंट्स नो द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस, छात्रों को गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में बताना और गृह विज्ञान के महत्व को समझाना. सबसे पहले देखते हैं गृह विज्ञान का अर्थ क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम साइंस. होम साइंस एक इंटीग्रेटेड फील्ड है जिसमें पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में साइंटिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज दी जाती है. होम साइंस यह बताता है कि वो होम से रिलेटेड है और उसमें रहने वाले हर पर्सन की हेल्थ और हैप्पीनेस से वो रिलेटेड है, उसमें इंक्लूडेड है. यह साइंस का वो डिसिप्लिन है, वो फैकल्टी है जो अपने स्टूडेंट्स को कई तरह के कमर्शियल और करियर की चॉइसेस देता है और ख़ुद को विकसित करने के लिए उनको तैयार करता है. लेट अस सी डेफिनेशंस ऑफ होम साइंस. गृह विज्ञान को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू एलन रिचर्ड्स, जो होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट थी, गृह विज्ञान या होम इकोनॉमिक्स का उद्देश्य घर को चीज़ों के प्रभुत्व और आदर्शों के लिए उनकी अधीनता से स्वतंत्र करना है और भौतिक परिवेश में सादगी लाना है जो घर और समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी हितों के लिए आत्मा को मुक्त कर देगी, जिससे मिले आज के लिए आदर्श गृह जीवन जो अतीत से अप्रभावित हो. साधारण शब्दों में कहें तो होम साइंस कैन बी डिफाइंड एज मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड. बहुविषयक क्षेत्र है, कई तरह के विषय इसमें शामिल हैं, जैसे स्वास्थ्य, आहार, बच्चों की देखभाल, वस्त्र और परिधान डिज़ाइनिंग, संसाधनों का प्रबंधन और एक घर से नाता रखने वाले अन्य विषयों से संबंधित है. ये हैं एलन एच स्वेलो रिचर्ड्स, जिनकी हमने अभी बात की, जो है होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट रहीं. अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ होम साइंस इन इंडिया. 1920 से 1940 के बीच ब्रिटिश प्रशासन के अधीन होम साइंस को घरेलू विज्ञान कहा जाता था. कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में होमक्राफ्ट या घरेलू अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई. बड़ौदा की रियासत माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान की पहले शुरुआत करने वालों में से एक बनी. लेडी इरविन कॉलेज ने 1932 में दिल्ली में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गृह विज्ञान स्टार्ट करके हिस्ट्री क्रिएट की. फिर 1938 में मद्रास विश्वविद्यालय ने होम साइंस को डिग्री लेवल पर एक्सेप्ट किया और चेन्नई में जाने माने और अग्रणी होम साइंस कॉलेज, क्वीन मैरी कॉलेज और महिला क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं जो 1942 में भारतीय क्षितिज में दिखाई दिए. डॉक्टर राजामलपी देवदास की अध्यक्षता में अविनाशी लिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर ने विभिन्न अंत विषय पाठ्यक्रमों के विस्तार की दिशा में बहुत योगदान दिया, जो स्कूल से लेकर PhD तक है. इलाहाबाद के कृषि संस्थान ने 1935 में गृह विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था और यह 1945 में विश्वविद्यालय का एक विभाग बन गया. ये हैं राजामलपी देवदास, जिनका हमने जिक्र किया. ये जानी मानी इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट और एजुकेशनिस्ट
थीं और इनको बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था। और भी बहुत सारे आउटस्टैंडिंग होम साइंस कॉलेजेस जो 1950 से विश्वविद्यालयों में विकसित हुए हैं, उनमें कोयम्बटूर, लुधियाना, बॉम्बे, उदयपुर और तिरुपति शामिल हैं। 1960 और 70 के मध्य में कृषि विश्वविद्यालयों ने गृह विज्ञान पढ़ाने की आवश्यकता को रिकग्नाइज किया। 1951 में होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डॉक्टर फ्लैमी पी कैटेल, डॉक्टर लीला शाह और सुश्री डोरोथी पियर्सन के मार्गदर्शन में बड़ौदा में अपनी जड़ें जमाई। एसोसिएशन का पहला अधिवेशन 1952 में चेन्नई में हुआ, जहां महिला क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई की सुश्री पियर्सन द्वारा तैयार किए गए संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम चर्चा करते हैं गृह विज्ञान के महत्व की, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट है घर के जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें खाना बनाना, ड्रेसेस, क्लोथिंग, घर की सजावट, चाइल्ड केयर, घरेलू खरीद और पारिवारिक रिश्ते शामिल हैं। यह लोगों को सिखाता है कि अच्छा भोजन कैसे बनाएं, खाएं, अच्छी तरह से कपड़े कैसे पहनें और अपने घरों की देखभाल कैसे करें, बुद्धिमानी से किस तरह पैसे खर्च करें और कैसे एक खुशहाल घरेलू जीवन व्यतीत करें। अब इसको हम बिंदुवार देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गृह विज्ञान का ज्ञान जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। गृह विज्ञान का अध्ययन गृहिणी को घर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। गृह विज्ञान का अध्ययन गृहिणी को घर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू मैनेज होम इफेक्टिवली। अधिकतम संतुष्टि और प्रतिफल पाने के लिए संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मदद करता है। हेल्प्स इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन रिटर्न्स। परिवार संसाधन प्रबंधन, खरीद, बजट और अन्य प्रबंधकीय गतिविधियों के बारे में बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। थर्ड इज टीचिज द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव डोमेस्टिक लाइफ। घरेलू जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक पहुंचता है। दुनिया का आधुनिकीकरण घर में भी परिलक्षित होता है। उच्च तकनीक वाले उत्पादों और आधुनिक उपकरणों ने हमारे घरों में विशेष रूप से रसोई में प्रवेश किया है। इनका प्रयोग हमें होम साइंस सिखाता है। नंबर फोर, परिवार के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मदद। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फैमिली रिलेशनशिप्स। होम साइंस के अध्ययन में मानवीय संबंधों का क्षेत्र शामिल है, जो लोगों को सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और कैसे परिवार के भीतर समस्याओं को हल करें। नंबर फाइव, डेवलप्स इन द स्टूडेंट्स द नेसेसरी स्किल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड फॉर बेटर होम मेकिंग एंड फैमिली लिविंग। छात्रों में बेहतर गृहिणी और परिवार के रहने के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक विकसित करना। होम साइंस स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है अलग अलग पेशों के लिए और एक गृहिणी बनने के लिए भी। नंबर सिक्स, हेल्प्स टू सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम्स। दैनिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। बदलते समाज में न केवल मानव और भौतिक संसाधनों के उपयोग में के संबंध में प्रबंधकीय समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि समस्याओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें गृह विज्ञान मदद करता है। नंबर सेवन, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स। मानो दृष्टिकोणों और रुचियों को बदलने में मदद करता है। गृह विज्ञान केवल गृह निर्माण कौशल के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को बदलती दुनिया से भी अवगत करवाता है और उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करने में मदद करता है। पॉइंट एट, होम साइंस प्रमोट्स द मोरल, फैमिलियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लिविंग। यह परिवार के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को
बढ़ावा देता है, ईमानदारी, सच्चाई, निर्भरता और निष्पक्षता और निर्णय कुछ महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो एक घर को अपने सदस्यों में विकसित होने की उम्मीद होती है। नंबर 9, इट इनेबल्स द पर्सन फॉर मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर के अवसरों के लिए सक्षम बनाता है। कई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों के प्रयोग ने गृहिणी को अपने संसाधनों का कुशल उपयोग करने में मदद की है। नंबर 10, होम साइंस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन सोसाइटी, समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका है गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान का उद्देश्य जिम्मेदार और रचनात्मक जीवन जीने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करके संतोषजनक व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देना है। इस प्रकार द इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज की मांगों को पूरा करने के लिए गृह विज्ञान का महत्व और अधिक बढ़ गया है। गृह विज्ञान का ज्ञान शारीरिक, सामाजिक और जैविक विज्ञान और कई कलाओं से लिया गया है, जो बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल घरों को प्राप्त करने के लिए लागू किया जाता है। नाउ